अस्सलाम वालेकुम। आज आपको समोसा चाट बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए हमने 4 से 5 समोसे लिए हैं, पुदीने की चटनी और इमली की मीठी चटनी हसबे ज़रूरत, 1 अदद बारीक कटा हुआ टमाटर, 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, चाट मसाला और फेंटी हुई दही चाहिए हसबे ज़रूरत। चनों का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए चने 2 कप, लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक हसबे ज़ायका। ऑयल चाहिए 2 टेबलस्पून, बारीक कटी प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 1 से 2 बारीक कटी हुई और पानी चाहिए हसबे ज़रूरत। चनों का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम ऑयल में चॉप प्याज और चॉप हरी मिर्चें डालकर हल्का सा सोते कर लेंगे। ऑयल में हरी मिर्ची और प्याज को हमने हल्का सा नरम कर लिया है। अब हम इसमें तमाम मसाले डाल देंगे। सब मसाले डालकर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालकर हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। चने डाल देंगे। चनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डालकर हमने चनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने चनों को पका लिया है। आप चाहें तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लें या इसकी थोड़ी ग्रेवी के साथ आप सर्व करें। मैं इसको इसी तरह रहने दूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। समोसों को हमने थोड़ा सा तोड़कर प्लेट में रख दिया है। अब हम इसमें चने डाल देंगे। प्याज, टमाटर, दही, पुदीने की चटनी, इमली की मीठी चटनी, आखिर में थोड़ा सा चाट मसाला। समोसा चाट बिल्कुल तैयार है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।